मेरे दोस्त, आजकल एलॉन मस्क के बारे में बहुत चर्चे हो रहे हैं, ट्रेंडिंग पे है, बहुत सुन रहे हो गए। लेकिन मेरे दोस्त, तो फिर तुम्हें ये जानना भी ज़रूरी है, उस बंदे के पास एक ऐसा भी दिन था जिस दिन उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। और आज अपन सुन रहे हैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे करके आज उसको सुन रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कहते हैं ना मेरे दोस्त, जब तक तू रिस्क नहीं लेगा अपनी लाइफ के लिए, तब तक कुछ कर नहीं सकता। जब जब अलार्म तुझे जगाएगा, तू समझ ले लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता ना, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं और 5:30 बजे नींद खुल जाती है, कभी 5:45 पे खुल जाती है, 5:50 पे खुल जाती है। उस दिन उस रात हम कुछ सोच के सोए होते हैं, इस वजह से उस अलार्म के पहले ही नींद खुल जाती है। आप इमेजिन करो ना, अगर बाहर रहते हो, घर जाना हो और सुबह जागना हो 6 बजे, आप अलार्म भले ही लगाओगे 6 बजे का, लेकिन आपकी नींद खुल जाएगी 5 बजे, तो उसको आप बहुत प्रियोरिटी देते हो, बहुत इम्पोर्टेंस देते हो उस चीज़ को। और उसी तरीके अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। अलार्म लगाओ, नहीं कहता अलार्म मत लगाओ, लेकिन अलार्म बजे उसके पहले अलार्म को बंद कर दो, समझ लेना तू उसी दिन से सक्सेस की राह पर हो। और मेरे दोस्त, हार कभी मत मानना, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। वही कहते हैं ना, किसी को 30 साल की एज में कामयाबी मिल जाती है और किसी को 50 साल की एज में मिल जाती है, लेकिन जो 50 साल के वही होते हैं जो जिनके अंदर नेवर गिव अप वाली आदत होती है, जो कभी अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं और लास्ट दम तक ट्राई करते रहते हैं। और जो ट्राई नहीं करते हैं वो एक बार फेल होकर बैठ जाते हैं। जो 50 की एज तक भी सक्सेस को सोचते हैं, वो फेलियर के बाद भी काम करते हैं, उससे दुगनी मेहनत से काम करते हैं। तो बस यार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं हूँ शुभम एंड टर्निंग आउट फॉर द रेस्ट।